गाइस, सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में हम बनाने वाले हैं बहुत ही खास से रेसिपी। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ गाजर का हलवा। मीठे लाल गाजर बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा बहुत ही आसान तरीके से, एंड छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि आपके गाजर का हलवा को बिल्कुल होटल जैसा बनाएगा। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देखते हैं। मैं खुशबू अग्रवाल, रिप्रेजेंटिंग माय यूट्यूब चैनल आवर मैजिकल किचन। आई एम हेयर विथ अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट डिमांडिंग गाजर का हलवा की रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है गाजर, 8 से 10 गाजर लिए थे और उन्हें अच्छे से छील कर कद्दूकस कर लिया है। इस तरीके से हमने कद्दूकस करके वॉश कर लिया है, जिससे कि ये एकदम बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। तो ये हमारा कैरेट घर के तैयार है। अब इधर हम लेंगे एक पैन में घी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप चाहो तो घी ओमिट भी कर सकते हो, यानी कि घी यूज़ नहीं भी कर सकते हो, बट यहाँ मैंने इसे बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाया है, जिसमें मैं इसे घी में बहुत ही अच्छे तरीके से भूनूंगी। इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से करें, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये प्रोसेस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे फर्स्ट प्रोसेस है। इसकी वजह से आपका हलवा बिल्कुल होटल जैसा बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। बिल्कुल रेसिपी को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको हलवे बनाने में बहुत हेल्प होगा। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ढक कर भी इसे 1-2 बार कुक कर लिया है 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए, कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है और पता चल रहा है कि ये कुक होना स्टार्ट हो गया है। इससे घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर जाता है इसमें, और बिना घी के हलवे का टेस्ट हलवा क्या हलवा है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से अब इसमें ऐड करते हैं मिल्क। यहाँ हमने करीबन 1 लीटर मिल्क लिया है दूध, और उसे हम डाल देंगे। यहाँ मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, इसमें कुछ मलाई की परतें थी उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और बस अब इसे अच्छे तरीके से दूध में हमें इसे कुक करना है, जब तक हमारा गाजर हमारे अच्छे तरीके से गल नहीं जाते हैं और हलवे का कंसिस्टेंसी और टेक्सचर परफेक्ट नहीं हो जाता। इस तरीके से आप इसे घुमा घुमा कर चलाते हुए कुक कर लें। ये देखिए, और अब मैं दिखाती हूँ ये कितने अच्छे तरीके से बॉईल हो रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। और बस बीच बीच में इसे चलाते रहें और इसे कुक करते रहें। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में मैं दिखाऊंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। वाओ, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, और जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती हम इसे कुक करेंगे। और ये देखिए, 7 से 8 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह है, दूध एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया। ये मेरे पास ड्राई खोया है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें, मिठाई मेड या मिल्क मेड यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास खोया था इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप डायरेक्टली दूध में भी इसे बना सकते हैं।
और बस अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है इसलिए मैं मीडियम मीठा बनाती हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें। और बस अभी से बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लें, क्योंकि चीनी हमने ऐड किया है तो चीनी खुद का वाटर रिलीज़ करती है, थोड़ा पतला हो जाएगा ये। तो हम इसे 2 से 4 मिनट और कुक करेंगे जिससे इसकी कंसिस्टेंसी वापस से गाढ़ी हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो रहा है, जो चीनी ने चाशनी बना दिया था वो अब अब्जॉर्ब होने लगा है। और वाओ, और चलिए जब तक वो कुक होता है इधर हम अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने एक पैन में घी लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे कैश्यूज यानी कि काजू और इसे हम रोस्ट करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश यानी कि रेजिन्स और उसे भी इसके साथ ही हम कुक कर लेंगे। ये देखिए अब किशमिश को भी हम जब तक ये थोड़ा रेज नहीं हो जाता यानी कि फुल नहीं जाता तब तक हम किशमिश को भी थोड़ा सा सेक लेंगे। और ये देखिए किशमिश भी हमारे दोनों चीज़ रोस्ट हो चुके हैं, इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, ये गाढ़ी हो चुकी है बिल्कुल। और हाँ, इसे बस इसी कंसिस्टेंसी का बनाएं। और अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। बस यहाँ हमने ऐड किया ड्राई फ्रूट्स। और वाह, एक बार इस हलवे को आप ज़रूर इस तरीके से बना कर देखें, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाला है, बिल्कुल मार्केट जैसा और वो भी एकदम प्योरिटी के साथ। चलिए अब फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी डिश को आपको बना देता है और भी हंगर को आपकी बढ़ा देता है। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। गाइस प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें हमारी सारी रेसिपीज़। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। यहाँ मेरे पास है कुछ कटे हुए आलमंड्स यानी कि बादाम, उसे हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। और अब यहाँ पे है मेरे पास कुछ पिस्ताशियोस चॉप्ड, चॉप्ड पिस्ता, उसे भी हम गार्निश करेंगे। और बस ये देखिए, वाओ, लुक एट द टेक्सचर गाइस, हाउ टेम्पटिंग एंड यमी दिस गाजर का हलवा इज़ लुकिंग। तो कब बना रहे हो आप इस हलवे की रेसिपी को, जल्दी से हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको मिलेगी सारी नोटिफिकेशंस सबसे पहले। और ये देखिए यहाँ मैंने सर्व कर लिया अपने लिए गर्मा गर्म हलवा। गाइज आप भूल जाते हो लाइक करना रेसिपीज़ देखकर, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मिलते रहेंगे हम इसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।